हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर घिसा पीटा नहुसत से भरपूर वाला व्लॉग। जी हाँ, मैंने वादा किया तुम लोगों से वापस आके भी छोटे छोटे व्लॉग हम बना के फेंकते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो मत करो यार, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मेरा सेटअप टूर व्लॉग वीडियो, जो भी कह लो, ठीक है। मैंने ना नया ग्राफिक कार्ड ऑर्डर किया था, RTX 3090, ठीक है भाई ने बहुत पैसे लगा दिए, बहुत पैसे। अभी पैसे आए कहाँ से मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा तुम लोगों को, पूरी वीडियो देखनी है, मजेदार होने जा रही है, ठीक है। मजे करोगे, एक एक चीज बताएगा भाई ये क्या चीजें हैं, कहाँ से आई हैं, किस तरह आई हैं, क्यों आई हैं और हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स गो, पहले ग्राफिक कार्ड लेके आते हैं बाहर से। चलो देखते हैं, बाहर बंदा आ गया, जल्दी से खोलो। बाहर मैं आ गया हूँ, बाहर तो मुझे कोई ग्राफिक कार्ड मेरा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। प्रैंक हो गया मेरे ख्याल से, कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे नजर आ रहा। डब्बे शब्बे भी बिन्ने जी ने खोल के देखता हूँ, शायद बीच में कुछ हो। तो सिवाय कचरे के टोकरियों के और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और ये क्या, तूने तो नहीं उठाया? किसे कह रहा है? ये पता नहीं किसकी बिल्ली है भाई। बिन खोल के देखिए, बिन में भी नहीं, पुराने डब्बे शब्बे पड़े हैं भाई। क्या प्रैंक कर रहा है बंदा, समझ नहीं मुझे आ रही है। तू मुझे बता दे अगर तूने कोई डब्बा शब्बा मेरा उठाया। अबे अपना काम कर। प्रैंक हो गया, ठीक है। मुझे अब कॉल करनी पड़ेगी, किधर रह गया वो डब्बा, ठीक है। ग्राफिक कार्ड हमारा कहाँ रह गया? मैं जा रहा हूँ रूम में, तुम लोगों को जाके सेटअप टूर के बात करूंगा सीधा जाके। शूट भाई की दो अदद शील्डें लगी हुई हैं, एक मेन चैनल की लगी हुई है, दूसरी बच्चों चैनल की। बोले तो जे प्ले एक्स्ट्रा जिसपे भी लाख सब्सक्राइबर हमने पूरे कर लिए थे। मुझे आगे पोटी भाई, एक सेकंड पहले पोटी छुट्टी कर ली। ये क्या पड़ा हुआ, ये कहाँ से आया भाई? कमोड के ऊपर ग्राफिक कार्ड। प्रैंक हो गया आपके साथ, कहाँ से आया? अब यहाँ पे बैठ के अनबॉक्स करते हैं। हम अपने RTX 3090 की अनबॉक्सिंग करेंगे कमोड के ऊपर बैठ के। जी हाँ, छुरी मैं ले आया हूँ। वैसे अपने बाथरूम में जो है ना पोटी करने का अपना ही मजा है। ये है मेरा बड़ा ही प्यारा सा लोटा, ये इतना आगे से लंबा क्यों है तुम लोगों को पता ही लग गया होगा। और अभी तो मैं भी खोलना है, मैंने इधर ही बैठ के। गाइस भाई खोलने जा रहा है छुरी से इसकी सील। भाई खोलने जा रहा है अपना RTX 3090। जी हाँ, नया ग्राफिक कार्ड है, इसकी सील खोलते हैं। पहले हम यहाँ से इसको थोड़ा बहुत काटते हैं। बहुत जल्दी खोल दी भाई ने, ठीक है। इसके ऊपर पबजी मोबाइल खेलने का यार अपने ही मजा आना है, फिर से कह रहा हूँ। फुल HD अल्ट्रा सुपर के जो भी होता है। हाय 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 हाय, गत्ते गत्ते डाले इन्होंने। और ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, निकल भैया। यार जबरदस्त, ओ भाई भाई साइज देखो, और मेरे दो मुंह मिलाओ फिर भी बड़ा ही। ये चेक करो मोटा कितना है, लंबा कितना है भाई। ये कंप्यूटर में लगाते हैं अभी, पहले उससे पहले मैं तुम लोगों को रूम टूर भी करवाता हूँ, ठीक है। सेटअप टूर करने से पहले मैं तुम लोगों को दिखाने लगा हूं कि मेरा बाथरूम किस तरह का लगता है। छोटा सा बाथरूम है, 4x4 का इसका साइज है, मतलब एंटर हो दो कदम लेफ्ट और राइट लो तो खत्म ही हो जाता है। लेकिन दिखाता हूँ, ये है सबसे पहला हमारा कमोड, जहाँ पे प्रेशर आया होता है सारे दिन का, हम जाके लीक करते तबाके शमाके तबाइया। सब ज्यादा पादशाह हमने मारने यहाँ पे बैठ गए, तो उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, उसके लिए ये हमारे पास हमारा प्यारा सा कमोड। जी हाँ, ये मेरी है बैठक, और ये है हमारा सिंक। सिंक से पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपना मनहूस सा चेहरा, ये हूँ मैं, पीछे है कमरा, वो बाद में चलते हैं उस पर। और ये है हमारा सिंक, सिंक चेक करो कितना लंबे बाल किसके, इसको साफ करो जल्दी से, लोगों को शक ना हो जाए। चल ले डूब जा भाई। ये है मेरा बाथरूम का सेटअप, सबसे पहले ये है मेरा रेजर जो कि मैं कहीं और इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। और ये हमारा मेन रेजर जो हम मुंह पे इस्तेमाल करते हैं। और ये है जी, ये बूथे पे मैं लगाता हूँ, ये फेस वॉश है मेरा, ये क्रीम श्रीम है मेरी, ये शैम्पू शैम्पू मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे हम लेते हैं शावर एक एक हफ्ते के बाद, जब तक जो है बू ना आ जाए, पसीने से हम लथ पथ ना हो जाए। ये मेरा प्यारा पिंक कलर का है तौलिया। जी हाँ, ये एक ही तौलिया जो कि मुंह पे भी फिरता है, कमर पे भी फिरता है, बालों पे भी, जिस्म पे भी, टांगों के दरमियान भी, हर जगह। यहाँ पे कोई लड़की होती ना, उसका हैंड टावल और होता है, उसके बालों का टावल और होता है, उसका बॉडी टावल और होता है, हमारा एक ही टावल है भाई। आए हाय हाय हाय, सारी बच्चियों के बाद फाइनली 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 जिसका मैंने तुम लोगों से वादा किया था 25,000 सब्सक्राइबर्स पे, आप देखो कितने हो गए, 6.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं फाइनली बाथरूम टूर के बाद जो मेरे पीछे है। उसके बाद अब हम रूम टूर करने लगे, एक एक चीज भाई दिखाएगा। सबसे पहले भाई की तख्तियां लगी, क्या कहते हैं इनको, स्लेटे, चेक करो यार, लव यू गाइस, ये तुम लोगों की वजह से है, ठीक है। तुम लोगों ने इतने सब्सक्राइब किए हैं, एक ही बार किया करो, लांती हो बकचोदी नहीं करनी, ठीक है। लाल बटन को ग्रे कर दो अगर अभी तक नहीं किया, लाइक भी कर दो इस वीडियो को, कम से कम इसके ऊपर 1 लाख लाइक्स कर दो, हो सकते हैं मुझे पता कर सकते हो, ठीक है। ये है मिस्टर जे प्लेस की, और ये है जे प्लेस एक्स्ट्रा, ये है बकचोदी चैनल, ये है हमारा ठीक अच्छा चैनल है हमारा ये। तो मैं तुम लोगों को दिखाने लगा हूं कि भाई कहां से सुबह उठ के एंटर होता है, यहां से हम एंटर होते हैं। से एंटर होने के बाद सबसे नीचे चप्पलें ही चप्पलें भाई की, हर किस्म की चप्पलें मिलेंगी, ये देखो
हाय 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 हाय, ये कंडे गए हैं इसमें। और ये लड़कियों वाली चप्पल नहीं है, बगैर तो उन स्पैम ना करने लग जाना है। कुड़ियां वाली चप्पल नहीं, हम ये वाली पहनेंगे, फर्श बहुत ठंडा। और ये है हमारे शूज। तुम लोग कह रहे हो कि जी काले काले, क्योंकि भाई को काले पसंद है। शूज की बात हो रही है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये सेटअप कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तुम लोग को आज मैं बताता हूँ। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय OctaFX। OctaFX एक प्रीमियम फॉरेक्स ब्रोकर है जिसका तुम लोगों ने पहले भी नाम सुना हुआ है। उर्दू बोलने वाली कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है और इस ऐप के अंदर तुम लोगों को इजीली डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और ये तुम लोगों को बेस्ट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि दूसरे आम फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। OctaFX स्टडी, स्किल और खुद के डेवलपमेंट के लिए जो है बनाई गई है। इसमें मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि फ्री ऑफ लॉस डेमो अकाउंट्स, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ वेबिनार्स भी अवेलेबल हैं इसी ऐप पे। तो अगर तुम लोगों ने भी पैसे बनाने हैं तो अभी जाके OctaFX की ऐप डाउनलोड करो, नीचे लिंक में दी होगी। न्यू यूजर्स को जो है वो बोनस दिया जाएगा, चाहे कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करो, मेरा नीचे दिया हुआ कोड इस्तेमाल करो MrJ2022। ये फिल्टर के कमालात हैं गाइज, वरना बहुत मनहूस हैं हम। जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। ये शीशा यहाँ पे लगा हुआ है और साथ भाई का ये मीटअप का लगा हुआ है फ्रेम, मेरा फेवरेट फ्रेम। इसके अलावा एक और भी मैंने लगाया हुआ, लेकिन उससे पहले देखो सोफा, सोफे के ऊपर जैकेट हमने तय करके रखी क्योंकि जगह ही नहीं है। और ये देखो एसी लगाया हुआ है, एसी चेक कर रहे, वैसे जरूरत नहीं है इतने बड़े एसी की। यहाँ पे हमारा कॉन्टेंट ही चल रही है, वीडियो चल रही है काफी। और ये देखो सेटअप, हाय 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 हाय, चेक तो करो। अब मैं तुम लोग को बारी बारी चीजें दिखाता हूँ सारी। ये देखो, ये तो पहले पैच पीछे करूँ ना इनको। बारी बारी मैं चीजें दिखाता हूँ सारी, क्या क्या कुछ लगा हुआ। ये सबसे पहले चड्डी दो साइड पे करो, पैच गंदी चड्डी, चिट्टे दाग लगे हैं इसके। और ये सबसे पहला है हमारा लैपटॉप, ठीक है। ये मैंने खरीदा था पाकिस्तान जाने से पहले, क्योंकि मैंने सोचा था वहां जाके स्ट्रीमें होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा भाई। इसमें लगा हुआ है RTX 3080 लगा हुआ है, इसमें कोर i7 का 11वीं सदी का CPU लगा हुआ है, 240Hz ये स्क्रीन है, इसमें बत्तियां शत्तियां चलती हैं, और इसके अंदर 32GB रैम है, और ये बहुत अच्छा बहुत तेज है। और ये हमारी पहली स्क्रीन है, ये मैंने चिंगम शिंगम रखी हुई है साथ, क्योंकि तुम्हें पता भाई ने ब्रश तो करना नहीं होता तो इसी से गुजारा। इसको भी हम रख लेते हैं। ये एक ऊपर वाली स्क्रीन है, यहाँ पे भाई बैठ के फिल्मेशन में देखता है रिलैक्स होके, समझ रहे हो। एक ये मेन गेमिंग स्क्रीन है हमारी, और ये घड़ियां शड़ियां यहाँ पे रखी हुई है, सस्ती सस्ती घड़ियां रखी है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये भाई ने जरा घड़ियों का शौक है भाई को, ये मैंने रखा हुआ है थोड़ा जरा, समझ रहे हो। ये मैंने गोलियां रखी हुई है सर दर्द की, सारा दिन जो है बच्चियों से बातें कर कर के उनके नखरे सुन सुन के ये खानी पड़ती है। और ये तुम लोगों को तो पता क्या है, इसकी फीलिंग ही कुछ और है। ये मैंने एक सिस्टम लगाया, वैसे एक बटन दबाओ तो बकचोदी ऑन हो जाती है, तुम लोगों को करके दिखाते हैं। ये सीन देखो बड़े मजेदार है, ये सुनना। तो ये गाइस ये लगाया हुआ सिस्टम, एक फिर एक और स्क्रीन है, मतलब इतनी ही स्क्रीनें ही स्क्रीनें हैं सब कुछ, क्योंकि स्ट्रीम करनी होती है ना, तुम लोगों को पता है काफी चीजें खुली होती हैं सामने मुंह के ऊपर। और ये एक और मोबाइल है, ले मेरे ख्याल से S8 है मेरा, S8 प्लस मैक्स है कुछ करके, ये वायरलेस हेडफोन है। और ये भाई का वेप है, काफी लोग पूछते हैं भाई कौन सा वेप है, तो भाई ये रखा हुआ, ये मुझे खुद नहीं पता नाम शाम के ऊपर कुछ लिखा हुआ, समझ रहे हो ना गाइस, ये चेक कर रहे हो। और इसके अलावा इनको पीछे करो, इसके अलावा ये है मेरा कीबोर्ड है, ये भी बत्तियों वाला कीबोर्ड है, हर चीज पे बत्तियां होना बहुत जरूरी है। ये हमारा बगैर तार वाला जो है माउस है, और ये जो है ये मेरा फेवरेट करेक्टर गेम का विचर, अगर तुम लोगों ने खेली है तो तुम लोगों को पता होगा। और ये हमारा है कंप्यूटर, ये मेन कंप्यूटर है मेरा, इसमें से भी ग्राफिक कार्ड उतरेगा और दूसरा हम लगा देंगे। फाइनली उतार दिया इसको, ये पुराने वाला कार्ड है, ठीक है, और ये नए वाला। साइज देखो इसका, हैवी बड़ा यार, टूट जाएगा ये। इस पे ऊपर पबजी मोबाइल खेलने का यार अपना ही मजा आएगा। और ये है मेरी ट्रॉफीज, तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है। ये है स्ट्रीमर ऑफ द ईयर 2020 का, और ये जो है हमारा क्लैन वैलोरेंट का टूर्नामेंट जीता था, तो फैन फेवरेट टीम रैप्टर। जी हाँ, हाय 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 भाई, ऐसे ही गंदा मंदा ही है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही है बस, कोई इतना प्रोफेशनल सेटअप टूवर कोई नहीं है। और मेन चीज जिसके ऊपर लंबी लंबी स्ट्रीमें होती हैं वो है हमारी गेमिंग चेयर। हाय 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 हाय, सेटअप के साथ तुम लोग देख सकते हो, बाकी तुम लोग को यूट्यूब पर नहीं दिखाते होंगे, वरना यही हाल होता है हर एक कमरे का, तारे तारे बिखरी हैं यहाँ पे। और ये परफ्यूम की कलेक्शन है, काफी लोग पूछते हैं परफ्यूम दिखाओ अपने, तो ये देख लो यार, सस्ते सस्ते से परफ्यूम ये रखे हैं मैंने, पड़ा हुआ माइक वो पड़ा हुआ जो मैंने मंगवाया था और आज तक यूज भी नहीं किया, अल्लाह तआला का नाम है, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बात कर रहा था दूसरे फ्रेम की, वो है ये चेक करो, एक है ये और दूसरा है ये, मतलब के दो लगाए हमने फ्रेम यहाँ पे। और ये सोफा है जहाँ भाई आराम से छिल करता स्ट्रीमें लंबी लंबी करने के बाद, मैंने बैग शैग तैयार किए कहीं जाना पड़ जाता जल्दी में। और ये नया ग्राफिक कार्ड, ये नया ग्राफिक कार्ड, ये अभी जाना है इसके अंदर। यार इसके पंखे बहुत तेज है, जरा हवा लेके देखें, 1 2 3।
हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। इसके अंदर लगा हुआ है AMD का 3900X लगा हुआ है, 32GB रैम है इसके अंदर। ये स्क्रीन लगी हुई है 165Hz है, ये 144Hz है, 60Hz लगी हुई है। इसके ऊपर बकचोदियां चलती है, इस पे गेमिंग चलती है, इसके ऊपर वो चलते हैं। गाइज ये देखो, ये है जब के रात का माहौल होता है। भाई ने पीछे लाइटें शाइटें लगाई हैं, हालांकि दिन का टाइम है, फिर भी थोड़े शशके मारने के लिए वीडियो के लिए। और ये दीवार पे चेक करो, तारे ओए होए। छोटा सा रूम टूर था मेरा, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा, गाड़ी शाड़ी ये तो वो सारा कुछ ना दिखा देंगे, ठीक है। अभी के लिए रूम शूम है सारा कुछ। वीडियो को लाइक करना यार, 1,00,000 लाइक अगर तो हो सकते हैं तो प्लीज कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, अगर वो लाल बटन नहीं दबाया उसको दबा दो, स्ट्रॉबेरी समझ के खा लो उसको, लेकिन एक बार। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं थोड़ा बताने लगा कि रूम को जब काला हम करते हैं तो कैसे। जन्नती है मेरा आंटू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। जन्नती है मेरा आंटू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। जन्नती है।